अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज मैं रियाद में मौजूद हूँ। सऊदी अरब का एक शहर है और यहाँ पे मैं किंग अब्दुल अजीज़ म्यूज़ियम में आया हूँ और ख़ास तौर पे आपको यहाँ जो किंग अब्दुल अजीज़ घड़ियाँ इस्तेमाल करते थे वो दिखाने के लिए। यहाँ पे अलाउ नहीं है इतनी मूवी बनाना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम अज़ कम उसकी तस्वीरें आपको दिखा दूँ। 1921 में किंग अब्दुल अजीज़ ने ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ियों के इस्तेमाल को बहुत ज़रूरी समझा और वो पहली दफ़ा गाड़ी लेके आए सऊदी अरब में, और 1926 से फिर पूरे सऊदी अरब में गाड़ियाँ इस्तेमाल होने लगी। जो आखिरी गाड़ी किंग अब्दुल अजीज़ ने इस्तेमाल की थी वो बहुत ही स्पेशली इक्विप कैडिलैक कार्स थी, तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो चलें वो देखते हैं। हफ्ते में लाजमी है कि एक दफ़ा या दो दफ़ा आप अपने टाइम टेबल के मुताबिक फ़्रेश होने के लिए कोई ऐसी जगह जाएं जहाँ पे ग्रीनरी हो, पानी हो। और हमेशा एक याद रखिएगा इस बात को, जब काम पे जाएं तो सिर्फ काम करें, वहाँ पे कोई और ख्यालात लेके ना आएँ। और जब फ़्रेश होने के लिए कहीं पे जाएं तो वहाँ पे सिर्फ फ़्रेश हो और वहाँ पे जो है इंजॉय करें, वहाँ पे काम की बात ना करें या काम की चीज़ें को लेके ना जाएं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऑफिस में जाऊँ और वहाँ जाके किसी पार्क की और बीच की बातें करना शुरू कर दूं, वहाँ के बारे में सोचना शुरू कर दूं, तो मैं काम पे फोकस नहीं कर सकता। और इसी तरह जब मैं फ़्रेश होने के लिए किसी पार्क में आऊं या फिर ऐसी जगह जाऊं जहाँ पे मैं एंजॉय करूं और वहाँ पे अपना ब्रीफकेस या लैपटॉप लेके आ जाऊं, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो हमेशा याद रखें, जो काम भी करें उसको एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।